मैंने बनवाया अपनी नानी के साथ एक वीडियो, नानी से पूछते वो लोग जन्माष्टमी पे क्या क्या करते थे। नहीं, आप लोग जन्माष्टमी पे क्या करते थे पहले? पंडित जी जमाते थे, मावा को अपो को निकालते थे, फिर पंडित जी जमाते थे, आटे की अलग जमाते थे, कुट्टू का आटे की अलग बनाते थे। कुट्टू की आटे की? हाँ, पंजीरी बनाते थे। कैसे बनाते थे कुट्टू की आटे की पंजीरी? आटा भूनना, आटा भून कर उसमें घी पूरा मिलाया, चाशनी बनाई, फिर उसकी पंजीरी जमाई। अच्छा, घर में मावा निकालते थे। हाँ, का मावा लाया कभी नारियल के, नारियल की पंजीरी जमाते थे। नारियल की पंजीरी कैसे जमाते थे नानी? पहले अगर गोले को कसते थे, चाशनी बनाते थे, घर से पंजीरी जमाते थे। कुट्टू के आटे की पंजीरी, नारियल के, और क्या क्या बनाते थे? धनिया पीसते थे, धनिया मत बनाते थे, धनिया पीसते थे, धनिया का भोग लगाते थे, भगवान का मंदिर जाते थे। अच्छा, आजकल कोई रौनक नहीं रही ना मंदिर से, जरे ना कुछ, ना कोई रौनक किसी में कुछ नहीं। तो कहाँ रौनक तो देखी। तो नानी, आप जैसे अभी 85 साल की हो, तो आपने मतलब पहले बहुत रौनक होती थी? बहुत रौनक होती थी। एक महीने पहले लग जाता था, जन्मोत्सव आएगी, जन्मोत्सव में आओगी, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। हाँ, अभी तो सारा दिन का 250 रुपये चली है। अच्छा, अभी तो मैं रौनक नहीं थी। तो आपने आज भी व्रत रखा है? आपने व्रत रखा है आज भी? रखा है इस उम्र में भी? अच्छा, क्या बात है। और क्या क्या होता था नानी? अच्छा, ठीक है नानी। भगवान की छठी पूछते थे। छठी पूछते थे मतलब? होंगे ना छठी पूजन मंदिर में। आज जन्माष्टमी, फिर 6 दिन के बाद छठी। हाँ, भगवान की छठी पूजन। उसमें क्या होता है? कड़ी चावल होते हैं, कड़ी चावल का भोग लगता है भगवान से। और अपना सब खाना होता है मंदिर में। अच्छा, खाना पीना सब करते हैं, जिसने अगर नहीं खाना वो अपना घर लिया का व्रत होगा हमारा। व्रत होता है छठी पे? हाँ, ओम द्वास का। ओम द्वास का, हाँ, वो व्रत होता है, उसे छठी भी कहते हैं। कड़ी चावल बनते हैं भाजी तो ओम द्वास हो, और बाकी कोई नहीं मानता, बनिए के लोग मानना। अच्छा, बनिए के लोग मानते हैं ओम द्वास, उस दिन व्रत रखते हैं। चावल? हाँ, गेहूँ चावल ना, ओम द्वास वाले दिन ना गेहूँ ना चावल, फिर क्या खाते हैं? बाजरा, मक्की, ये खाते हैं। और छठी कब होती है? छठी 6 दिन का होता है भगवान का। तो ये दोनों चीज़ें अब 6 दिन के बाद ही आएंगी? ठीक है, अपने मंदिरों में छठी। अच्छा, भगवान की बनिया ओगद्वास कर बोलते हैं, और मंदिरों में छठी होती है भगवान की, उस दिन कढ़ी चावल बनता है। ठीक है नानी, थैंक यू नानी। जन्माष्टमी पर मम्मी बना रही थी भगवान जी को, कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए पंजीरी। तो मैंने मम्मी के साथ मिलकर एक छोटा सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। अगर पसंद आया गया तो बताइएगा। क्या कर रही हो मम्मी आप? हल्का सा घी डाल के ना थोड़ा सा। हाँ, और मगज को पहले अच्छी तरह साफ कर लिया। अच्छा, फिर साफ करके इसको हल्के घी में डाल के, हाँ, उसको मतलब भून लिया हल्का सा। अच्छा, तो मैं अच्छी अच्छी होती है। और फिर गोले के कसने के बाद इसको मिक्सी में पीस लिया, गोले को। हाँ, गोले को। अच्छा, तो मगज डालेंगे। अच्छा, सामान डाल लो जो अपने वैसे, मतलब जैसे आपके पास हो, तो ना हो तो ऐसे भी बन जाएगी खाली। मतलब काजू बादाम कह रही हो आप? हाँ, डाल सकते हैं। मतलब आपने क्या पीसा? अच्छा, पहले गोला, पहले गोला, फिर उसके बाद आप मगज पीसूंगे। अच्छा, इसमें मगज भी पीस होगी? नहीं, पीसेंगे पीसेंगे फिर पीस रही हो आप? हाँ सर, तो टेस्टी बनेगी ना खाने में। बड़ी ठंडा करके, गर्म नहीं पीसने के, ठंडा कर लिया उसको मिक्सी में। मिक्सी में ये ठंडा करके, और मगज को नाप लेंगे, अब ये गोले को नाप लेंगे ना। हाँ, तो एक कटोरी मगज है, एक कटोरी गोला है। हाँ, ये हो गया। उसके बाद हम चीनी डालेंगे इसमें अंदाज से, और गोला दोनों को नाप लेंगे। दो कटोरी माल हो गया। हाँ, समान हो गया। उसमें एक कटोरी चीनी डालेंगे। अच्छा, एक कटोरी चीनी डालेंगे। ये एक कटोरी मगज, एक कटोरी नारियल, एक और दो कटोरी चीनी। ये हमारा, हाँ, इतना ही माल बैठेगा। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से वीडियो बनाया।
तो मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाकर डालूं। मम्मी तैयारी कर रही थी तो मैंने एकदम से पहुंचकर मम्मी की मैं वीडियो बनाती हूं, तो मैंने ये अचानक से वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ये सिंपलिसिटी पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर अभी हम लोग इसमें एक थाली में ना घी, ताकि हम इसमें सामान डालेंगे तो ये इसमें चिपकेगा नहीं। अच्छा, की चाशनी बना दी। अच्छा, दो तार की बन गई। अच्छा, और उसको ना एक कटोरी में पानी डाल के, हाँ, जैसे जिसको नहीं आता हो, हाँ हाँ, तो एक कटोरी में पानी डालना। हाँ, उसमें यूँ देख लो आप, नीचे बैठे हैं उस पर आप। अच्छा, ये देखो, अब मैं पानी डाल दिया कटोरी में। हाँ हाँ, और इसमें एक बूंद डाल दिया। हाँ, तो पता लग जाता है कि नीचे जम गई तो कसम की चाशनी तैयार। अच्छा, अगर नीचे बैठ गई ऊपर हुई तो समझो नहीं, कच्चा हल्की है, मतलब अब धीरे धीरे हम इसको डाल देंगे। अच्छा, गैस बंद कर दो। हाँ बेटा, गैस बंद कर, चल बस चल ये।